बड़ी जल्दी है तुम्हें शॉपिंग की, सारा बाजार आज ही खरीद डालोगी क्या? जल्दी तो अब करनी पड़ेगी ना, वक्त इतना कम बचा है और इतना सारा काम है सर पे। हाँ, इस घर में काम करने वाले सिर्फ तुम और वही नहीं तो, बाकी सब तो निठल्ले हैं। शादी के कामकाज में तुम लोग इतना मगन हो गए हो कि घर के बाकी लोगों के बारे में सोचने की फुर्सत भी है कि नहीं? कैसी बातें कर रहे हैं आप, हम दोनों को अपनी जिम्मेदारियों का पूरा ख्याल है। हमें पता है कि इस घर में दो दो औरतें मां बनने वाली हैं। उनका खाना पीना, उनकी छोटी से छोटी जरूरतों का ध्यान रखते हैं हम। बच्ची सोनाक्षी, हम उसका भी तो ध्यान रखते हैं। अरे मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा, तुम्हें मेरी चिंता है कि नहीं? शामल, तू तैयार हुई ना? हमें निकलना होगा। हाँ भाई। सुनिए, मैंने आपकी चाय बना के किचन में रख दी है और आपका नाश्ता और दोपहर का खाना भी। भूख लगे तब खा लीजिएगा। चलिए चलिए। भूख लगे तो खा लीजिएगा। अरे किचन से मेरे कमरे तक कौन लेकर आएगा, मेरी सास? या आप, मैं औरतों वाले काम भी शुरू कर दूं? मैं ना, आज सोनाक्षी अपने घर वापस जाने वाली थी ना, उसने आई से इस बारे में बात की क्या? नहीं, मुझे लगता है कि वो क्या, नहीं वो शायद बात नहीं कर पाए। अच्छा तो वकील साहब, मुझे ये बताइए, आप सब कुछ तो सीख गए लेकिन अपनी कॉलर ठीक करना कब सीखोगे? नैना, वैसे तुम तैयार हो कितनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? नैना, इतनी हड़बड़ाई हुई क्यों हो? बेटा तुम कहीं बाहर जा रही हो? हाँ, वो एक जरूरी मीटिंग आ गई है। वो बेटा, बात यह है कि मैं और शामल किस काम से बाहर जा रहे हैं। अगर तुम घर पर रहोगे तो बेहतर होगा। आकृति, रोहिणी, सोनाक्षी, तीनों का ख्याल रखने के लिए किसी को तो घर पर रहना चाहिए ना। दक्ष, दिल से मैंने तुम्हारा बुरा कभी नहीं चाहा। मैंने आई को बोला था कि आई मैं ये शादी नहीं करना चाहती। आई बहुत नाराज हो गई। दक्ष, दक्ष मेरा विश्वास करो, मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहती। जहर पे चीटियां, ऐसे कैसे हो सकता है? नैना, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उसने क्या खुदकुशी करने का पहले से प्लान करके रखा था क्या? और वो चूहे मारने की दवा वो वहां टेबल पे कैसे आई? वो अपने पास हमेशा रात को रख के सोती है क्या?